2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की फिफ्थ एंड फाइनल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो टोटल दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सब रीजनल क्वालिफायर्स के बारे में एंड पार्ट टू में हम यह डिस्कस करूंगा रीजनल फाइनल के ऊपर। तो बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग नेशन के बारे में। तो ग्रुप वन में है सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर एंड मालदीव्स। ग्रुप टू में है चाइना, भूटान, मलेशिया एंड थाईलैंड। ग्रुप वन को होस्ट करेंगे कतर एंड ये शायद मैचेस का जो शेड्यूल है ना वो सितंबर में होंगे। एंड ग्रुप टू को होस्ट करेंगे मलेशिया एंड अगर इसका शेड्यूल देखें ना तो एंड जुलाई में इस साल होंगे उनकी मैचेस। एंड दोनों ग्रुप की टॉप टीम्स रीजन फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा रीजनल फाइनल के बारे में बता देता हूँ। तो रीजनल फाइनल में ना यूएई, ओमान, नेपाल, बहरीन, सिंगापुर, हांगकांग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं एंड इसमें से और दो टीम आएंगे। ग्रुप वन से एक टीम आएंगे एंड ग्रुप टू से एक टीम आएंगे। तो फर्स्ट हम ग्रुप वन को डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप वन में सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर एंड मालदीव्स फोर टीमें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो देखो सऊदी अरेबिया की अभी करंट T20 रैंकिंग है 33rd पर एंड रिसेंटली मैंने सऊदी अरेबिया की क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाया है। तो अगर आपको सऊदी अरेबिया की क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हो ना तो आई बटन में लिंक है, जाके चेकआउट जरूर करना। अगर हम सऊदी अरेबिया की स्टैट्स देखें ना तो ये टीम ने अभी तक 19 मैचेस खेला है जिसमें से 8 मैचेस वन किया है एंड 11 मैचेस हारा है एंड ऑब्वियसली ये टीम क्रिकेट में एक न्यू टीम तो है। सेकेंडली जो हमारी मेरी लिस्ट की जो टीम है वो है कुवैत। कुवैत की अभी T20 रैंकिंग है 26th पोजीशन पर एंड कुवैत जो टीम है वो भी हाल ही में अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। 2022 एशिया कप के क्वालिफायर्स में ना कुवैत ने यूएई को भी हराया था एंड स्टैट्स देखे ना तो इस टीम ने अभी तक 31 मैचेस खेला है जिसमें से 16 मैचेस वन किया है एंड 12 मैचेस हारा है। मेन लिस्ट की जो नंबर थर्ड टीम है वो है कतर। कतर भी ना अभी एग्रेसिवली क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है एंड आने वाले टाइम में ना कतर में भी क्रिकेट बहुत ही ज्यादा ग्रो हो सकता है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो जरूर उसको देखना। अगर हम स्टैट्स देखें कतर टीम की तो इस टीम ने ना अभी तक 33rd मैचेस को खेला है जिसमें से 19 मैचेस को इस टीम ने वन किया है एंड 10 मैचेस को इस टीम ने हारा है। एंड मेरी लिस्ट की जो लास्ट टीम है वो है मालदीव्स। मालदीव्स की अभी करंट T20 रैंकिंग है 76 पोजीशन पर एंड ये टीम जो मालदीव्स है वो क्रिकेट में अभी उतना कुछ खास तो अचीव नहीं किया है एंड इस टीम की जो क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस है वो इतना भी कुछ ज्यादा नहीं है एंड मालदीव्स में ना जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो उतना ज्यादा भी नहीं है एंड क्रिकेट भी ना मतलब इतना भी ज्यादा बड़ा स्पोर्ट्स नहीं है। तो अगर उनके स्टैट्स देखें ना तो उन्होंने अभी तक 24 मैचेस ही खेला है जिसमें से उन्होंने ओनली 4 मैचेस ही वन किया है एंड 19 मैचेस हारा है। उन्होंने भूटान एंड थाईलैंड को ही हराया है अपनी पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। अगर शेड्यूल की बात करें ना तो शेड्यूल सितंबर में होंगे एंड अभी तक जो मतलब शेड्यूल है वो रिलीज नहीं हुआ है। अगर हम फाइनल स्टैंडिंग की बात करें ना तो फर्स्ट पोजीशन में इस ग्रुप से फिनिश करेंगे कतर मुझे लगता है, कुवैत रहेंगे सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में रहेंगे सऊदी अरेबिया एंड मालदीव्स रहेंगे फोर्थ पोजीशन पर मुझे जो लगता है ना। आपकी जो भी लगता है नीचे कमेंट पर जरूर बताना। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप टू की। ग्रुप टू को होस्ट करेंगे मलेशिया और जो पार्टिसिपेटिंग जो नेशन है वो है चाइना, भूटान, मलेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। एंड शेड्यूल की बात करें ना तो शायद जुलाई 2023 में होंगे। तो फर्स्ट कंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंट्री है वो है चाइना। चाइना की अभी क्रिकेट की रैंकिंग है 84th पोजीशन पर। तो चाइना की टीम्स ना अभी क्रिकेट में इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, मतलब चाइना की टीम से कुछ खास इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं निकल कर आ रहा है। मतलब क्या वो कर रहा है क्या वो नहीं कर रहा है कुछ रिपोर्ट निकल कर नहीं आ रहा है। रिसर्च में एक न्यूज़ आया था कि जो चाइनीज टीम है ना वो इंडिया वेस्ट बंगाल में आया था इंडिया से क्रिकेट को सीखने के लिए, बट इसके बाद से और भी कुछ ज्यादा न्यूज निकल कर नहीं आई है। एंड 2023 में जो ACC चैलेंजर कप भी हुआ था ना एंड इसमें ना चाइनीज टीम ने विथड्रॉ कर लिया था एंड मुझे डर है कि जो फ्यूचर में जो क्वालिफायर्स होंगे ना मुझे लगता है कि चाइना फिर से विथड्रॉ कर सकता है जो रिपोर्ट्स कहता है। अगर स्टैट्स देखें ना तो चाइना रिसेंट ईयर्स में रिसेंट 3-4 ईयर्स पे एक भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेला है। तो ऑब्वियसली अगर आप क्रिकेट इन चाइना के बारे में जानना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी क्रिकेट इन चाइना के ऊपर वीडियो बनाया है तो जाके जरूर चेकआउट करना। इसके बाद मेरी लिस्ट के जो सेकंड टीम है वो है भूटान। भूटान की अभी करंट T20 रैंकिंग है 64th पोजीशन पर एंड भूटान टीम की स्टैट्स देखें ना तो ये टीम क्रिकेट में न्यू टीम तो है, मतलब कि इस टीम ने ओनली 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है जिसमें से उन्होंने 4 मैचेस वन किया है एंड 5 मैचेस हारा है। इसके बाद मेरे लिस्ट की नंबर थर्ड टीम है वो है मलेशिया। यस, मलेशिया की अभी T20 रैंकिंग है 27th पोजीशन पर। अगर हम मलेशिया की बात करें ना तो मलेशिया बहुत ही ज्यादा रिच फैसिनेटिंग हिस्ट्री रखता है क्रिकेट के पीछे एंड उन्होंने ना 1979 वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स में भी ना अपने अपीयरेंस दे चुके हैं प्रीवियसली।
अगर हम स्टेट्स देखें ना, टोटल इस टीम ने अभी तक 53 मैचेस खेला है, जिसमें से 30 मैचेस वन किया है एंड 20 मैचेस हारा है। एंड ऑब्वियसली मैं फ्यूचर की वीडियो में क्रिकेट इन मलेशिया के ऊपर फ्यूचर में वीडियो आएगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मेरे लिस्ट की जो नंबर फोर्थ टीम है वो है म्यांमार। म्यांमार की भी रैंक है अभी के टाइम में 84 पोजीशन पर। एंड ये टीम भी ना चाइना की तरह मतलब कुछ रिपोर्ट इस टीम से निकल कर नहीं आई है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में भी ना ये टीम कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहा है। मेरे लिस्ट की जो फिफ्थ टीम है वो है थाईलैंड। थाईलैंड की अभी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग है 82nd पर। थाईलैंड की मेंस टीम में हमें कुछ इतना ज्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है, पर दूसरी ओर अगर वुमेन्स टीम को देखें ना, तो वुमेन्स टीम अभी टॉप 10 बेस्ट टीम बन चुका है वुमेन्स में। एंड वुमेन्स टीम और भी आगे जाएगा मुझे जो लगता है। एंड 2022 में ना जो एशिया वुमेन्स कप हुआ था ना, थाईलैंड ने फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया था, जो बहुत एक अच्छा अचीवमेंट है। एंड बात करें थाईलैंड मेंस टीम की स्टैट्स के बारे में बात करें ना, तो ये टीम ने अभी तक ओनली 14 मैचेस ही खेला है, जिसमें से ये टीम ने ओनली एक मैचेस ही वन किया है एंड अपनी 13 मैचेस लूज किया है। ये टीम ने अभी तक अपनी पूरे T20 इंटरनेशनल करियर में ओनली मालदीव्स को ही हराया है। तो नेक्स्ट हम शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, तो शेड्यूल ऑब्वियसली जुलाई 2023 में है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो जब रिलीज होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक मिलेगा। तो बात करते हैं फाइनल स्टैंडिंग के बारे में, तो मुझे जो लगता है ना गाइस, इस ग्रुप से मलेशिया क्वालिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। यस, मैं रखता हूँ कि मलेशिया क्वालिफाई करेंगे, सेकंड पोजीशन में भूटान रहेंगे, थर्ड पर थाईलैंड, फोर्थ पर चाइना एंड फिफ्थ पर, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और क्या है आपको प्रेडिक्शन इस वीडियो से नीचे कॉमेंट में बताना, क्योंकि विदाउट योर प्रेडिक्शन ना ये वीडियो इनकम्प्लीट है। तो जरूर कॉमेंट में बताना। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।